First group. Second group. Second group. Second group. नमस्कार दोस्तों, देश में सैनिक स्तर पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव तय है। भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना में अब सैनिकों की भर्ती टूर ऑफ ड्यूटी टीओडी के तहत होगी। सूत्रों के अनुसार टीओडी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और इस संबंध में मई के अंत में ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 4 साल की टीओडी में चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने की ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद वह सेना में 3.5 साल नौकरी करेंगे। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया है कि टीओडी के तहत चयनित उम्मीदवारों को वेतन और अन्य सुविधाएं स्थायी सैनिकों के बराबर मिलेगी। 4 साल की नौकरी समाप्त होने के बाद इन सैनिकों को 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। सूत्रों ने कहा है कि 4 साल की नौकरी के दौरान ही इन सैनिकों को प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा कोर्स भी कराए जाएंगे, ताकि 4 साल की सेवा के बाद जब वे सेना से निकालकर दूसरे रोजगार की तलाश करें तो उन्हें नौकरी मिल सके। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इन सैनिकों को 4 साल के बाद दोबारा दूसरे दौर की भर्ती में शामिल होना पड़ेगा और इनका चयन सिलेक्शन बोर्ड करेगा। सेना में सैनिकों की औसतन उम्र करीब 35 से 36 साल होती है। टीओडी लागू होने के बाद 4-5 साल में सैनिकों की औसतन उम्र 25 से 26 साल हो जाएगी और सेना ज्यादा युवा नजर आएगी। एक अधिकारी ने बताया है कि हर साल औसताना 60,000 सैनिक अन्य रैंकों के पदों से रिटायर होते हैं, जिनकी उम्र 35 से 37 साल के बीच होती है। इसके बाद उन्हें लंबे समय तक पेंशन मिलती रहती है। आधिकारिक ने बताया कि जूनियर कमीशन अधिकारी, जेसीओ और अन्य रैंक ओआर के अधिकारियों को मिलने वाली पेंशन का भार सेना के उच्च अधिकारियों से अधिक है और ऐसे में टीओडी लागू होने से स्थिति में सुधार होगा। टीओडी पर सरकार लगभग 2 साल से विचार कर रही थी और उस समय सेना में जवानों को लेकर यह व्यवस्था 3 साल की अवधि के लिए रखी गई थी। हालांकि विचार विमर्श करने के बाद इसे 4 साल करने का फैसला किया गया। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण सेना में लगभग 2 साल से भर्ती नहीं हो रही है। ऐसे में यह भर्ती शुरू होने से नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी। तो दोस्तों, सेना से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।